और सूर्य की उपासना का महापर्व छठ आज से शुरू हो गया है। नहाए खाए के साथ छठ की शुरुआत हुई है। 4 दिवसीय छठ पूजा की शुरुआत छठ घाटों पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। छठ को पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। आज नहाए खाए से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। नहाए खाए के दिन व्रती महिलाएं नहाकर लौकी चावल और चने की दाल बनाती हैं। इसे खाकर व्रती व्रत का संकल्प लेती हैं। तो छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। आज नहाए खाए के साथ इस व्रत की इस पर्व की शुरुआत हुई है, जिसके जरिए अब जो व्रती हैं, फिर चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हो। और देखिए, इस व्रत की खासियत ये है कि अगर आपकी जिंदगी में आप बहुत ज्यादा हार चुके हैं, बहुत परेशानी में हैं, कठिनाइयां बहुत ज्यादा है, आपकी कुछ चाह है, तो अगर आप छठ माता को मान के मन में व्रत का संकल्प ले तो आपके हर एक कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस व्रत को सिर्फ महिलाएं ही नहीं करती बल्कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पुरुष भी छठ पर्व को मनाते हैं। वो भी व्रत करते हैं, वो भी सूरज को अर्घ देते हैं। तो छठ महापर्व एक ऐसा त्योहार जिसमें अस्तचल गामिनी यानी कि ढलते हुए सूरज और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। पर्व पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। छठ पूजा का पहला दिन नहाए खाए के साथ शुरू हो चुका है। आज महिलाएं सुबह सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती हैं। साफ सफाई करने के बाद नहाती हैं, गंगा जल से खुद को शुद्ध करती हैं और खाने के तौर पर चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी तैयार करती हैं। वही कद्दू भात पकौड़ी आलू गोभी का सब्जी बिना प्याज लहसुन का सेंधा नमक में खाना बना के हम लोग खाते हैं। छठी माँ से जो भी मनोकामनाएं मांगती है सब पूरा किए हुए हैं। छठी माई का सब कृपा है, बहुत कृपा है हम लोगों पे। प्रिया, क्या कहेंगे, ये साल हम लोग के लिए और फेस्टिवल के लिए नहीं लेकिन छठ पूजा का बहुत इंतजार रहता है हम लोग का। यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे घर के जितने भी बच्चे हैं वेट करते हैं कब छठ पूजा है, जो हम भागीदारी बने माता रानी का, सूर्यदेव का। और हम 14 साल से छठ पूजा करते आ रहे हैं, जब से मेरा शादी हुआ तभी से हम करते आ रहे हैं। उन्हीं की महिमा से हम लोग अभी सही सलामत हम लोग करते रहेंगे। जो भी छठी मासम एकदम पूरा होता है उन्हीं की महिमा है कि जो आज हम लोग उनके लिए छठ पूजा के लिए तैयार होते हर समय, मतलब लगता ही नहीं है ना कि हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। आराम से हम लोग आराम से श्रद्धा से एकदम कर पाते हैं छठ पूजा। रेखा रेखा 6 साल से। आज नहा खा कर गंगा स्नान करते हैं, घर पे जाके गंगा जल का यूज करते हैं, उसका प्रसाद बनाता है, कद्दू का सब्जी बनता है, अरवा चावल नया अरवा चावल का खीर बनता है, चावल बनता है और रहर का दाल का सब्जी, सॉरी चना दाल का सब्जी दाल बनता है। जो भी मनोकामना जी माँ बिना मांगे पूरा कर देती, उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खा के पूजा पाठ करके घिया की सब्जी, दाल खेसारी के, कोई चने की, आलू गोभी की सब्जी यही खाते हैं, शुद्ध खाना बना के। कल लोहंडा है, कल किसी मीठा खाना खाते हैं, किसी सिंधा नमक की, चने की दाल, कच्चा चावल, घी का पराठे बना के खाते हैं। फिर सुबह छठ पूजा का व्रत रखते हैं 24 घंटा। फिर 7 तारीख का पूजा शाम का सूरज भगवान के अर्घ दे के, फिर सुबह 8 तारीख के अर्घ दे के फिर व्रत खोलते हैं। आज जैसे हम यहाँ जमुना आए और नहा के, और इसके बाद आज से व्रत हमारा चालू हो गया, तो आज हम पूरे दिन ये सादा खाना खाएंगे, मतलब दाल चावल और लौका का नियम होता है, और कल पूरे दिन फास्ट रहना है और शाम में व्रत को पूजा पाठ करके शाम में खाना है, खीर और रोटी से लगता है पूजा होता है, और परसों शाम का अर्घ है, सुबह का 8 तारीख को है। आज नहाए खाई है हम लोग को,
चने की दाल और लौकी से हम लोग आज प्रसाद ग्रहण करेंगे, फिर कल भी व्रत रहेगा ताकि मुझे परसों का भी माँ का भोग लगा के फिर हम लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर मुझे 24 घंटा का व्रत रहना पड़ेगा। तो देखिए महिलाओं को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि छठ पूजा को लेकर किस तरह से वो उत्साहित है, खुशियां आपस में मना रही हैं, परिवार की सुरक्षा लंबी उम्र की कामना करने के लिए छठ पर्व जो है वो मनाया जाता है। और लोगों का ये कहना है कि माता से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सुपौल से हमारे संवाददाता राजेश चौधरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, आज नहाए खाए के साथ शुरुआत हो गई है छठ महापर्व की, और अगले 48 घंटे अब जो तमाम व्रती हैं, चाहे फिर वो महिलाएं हों या पुरुष हो, छठ महापर्व को लेकर काफी उत्साहित और खुश नजर आएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज सूर्य उपासना का महापर्व जो छठ पूजा है वो आज से शुरू हो गया है, और आज नहाए खाए हैं, और नहाए खाए को लेकर के जो है महिलाएं काफी उत्साहित है। सुबह से ही लोग स्नान कर रही है और आज जो है नहाए खाए होना है, और आज कद्दू भात ये जो है खाना में जो है प्रमुख माना जाता है। हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे कि 4 दिनों तक जो पर्व चलता है, इस पर्व में क्या कुछ मान्यताएं हैं, आज नहाए खाए हैं, किसकी तैयारी आज नहाए खाए है, कल खरना है, परसों शाम का रख है, और सुबह का रख। 4 दिन तक जो चलता है छठ महापर्व, तो कितना तैयारी है, कितना उत्साह? बहुत उत्साह है, बहुत खुशी मिलता है। कहते हैं कि छठ मैया से जो मनोकामना लोग मांगते हैं, मैया उसकी मनोकामना पूरी करती है, क्या कुछ मान लेता है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत पूरी होती है, जो चीज मांगता है सब चीज पूरी होती है। हम जानना चाहेंगे कि आज नहाए खाए है, तो आज को लेकर के क्या कुछ तैयारी, सुबह से किस तरह आपको काम किए? बहुत चीज का तैयारी करते हैं, कद्दू भात चावल बनाते हैं, चना दाल बनाते हैं, यही सब चीज बनाते हैं। मतलब बिल्कुल, मैं बता दूं कि ये महिलाएं हैं, इनका साथ में कहना है कि आज जो नहाए खाए और कद्दू भात को लेकर के ये लोग सुबह से ही, और आज ये लोग कद्दू का सब्जी और भात खाएंगे, ये मान्यता है कि आदिकाल से ही कद्दू भात बिल्कुल। देखिए, और आज से क्योंकि इस पर्व की शुरुआत हो रही है, कल महिलाओं को व्रत रखना है, भूखे प्यासे रहना है, कल खरना का दिन होगा। एक बार फिर से चाहूंगी, क्योंकि सुबह भी आप जुड़े थे तो बड़े ही मधुर स्वर में हमने गीत सुना था छठ पूजा का, अगर एक बार फिर से हो जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आप जो तमाम दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, एक बार छठ का जो गीत होता है वो एक बार गुनगुना दीजिए। छठी माँ के घर तरकिया, उस पर कौवा मर, ओ गा सूरज देवा देवा, ओ पर सोगा मेरा। बिल्कुल, जिस तरह ये लोग गीत गुनगुना रही हैं, छठ माई का जो व्रत होता है 4 दिनों